Hey guys, welcome to the vlog. And today is क्या डेट है भाई आज? मैं डेट ही नहीं पता. क्या व्लॉग बनाएंगे अब? 29th of January. ऋतिक भाई आ गए हैं और अभी हम हैं चंडीगढ़ में और सुबह सुबह गए थे हम सुखना लेक पे वॉक करने. वॉक करके बस अभी घर आके नहा धोके तैयार हो गए, काम पे निकले. पर उससे पहले हमें करना है ब्रेकफास्ट, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. क्या खाओगे सर? छोले भटूरे अपनी छोले खाने. तो फिर अब हम जा रहे हैं भाई की दुकान पे छोले भटूरे खाने. अब भाई ने कह दिया तो गुड मॉर्निंग तो छोले भटूरे से ही होनी चाहिए. ये देख लो, ये हमारा सुखना लेक वाली रोड है. यहाँ पे चंडीगढ़ में एक चीज भी पंगा और है कि 60 से नीचे रखनी है स्पीड, और इस वाली रोड में तो 50 से नीचे. ये आ गया सर अपना सुखना लेक. बाकी अभी मिलते हैं हम छोले भटूरे खाते हुए आपको, और आपको भी बताएंगे चंडीगढ़ में बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं. तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, दिख रहा हो आपको अगर, ये है पंडित जी कचौड़ी वाले सेक्टर 7 में. और लेट्स सी, जाके देखते हैं कि पंडित जी के पास क्या है खाने के लिए. भाजी पंडित जी, छोले भटूरे, बेदनी पूड़ी, आलू सब्जी, क्या हाल है? आप तो नहा के आ गए, अरे इसको बिना नहाए ले आए. ये नहा के नहीं आया भाई, हम नहा के आए हैं बिल्कुल फ्रेश. क्या बना रहे हैं सर? एक भटूरा लगा दो, एक भटूरा लगा दो और एक वो लगा दो, बेदनी पूड़ी. डन है. देखो मैं खींचता हूँ, मैं खींचता हूँ. अरे मैं तो बस वीडियो बना रहा हूँ. थैंक यू भाजी, वेलकम. तो भाई छोले भटूरे अब हमने खा लिए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है. अब हम जा रहे हैं ऑफिस, एक बारी ऑफिस जाके देखते हैं थोड़ा काम वाम, और फिर आपको लेके चलते हैं आज हम छोटा सा चंडीगढ़ टूर पे. और आज आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखाएंगे चंडीगढ़ की. गाने धीरे करो यार. हाँ, आज आपको हम अच्छी अच्छी जगहें दिखाएंगे चंडीगढ़ की. और फिर अभी तो हम यहाँ ही हैं 2 दिन, मंडे को सुबह सुबह निकलेंगे 5 बजे, फिर चलेंगे दिल्ली. सो गाइस हम ऑफिस से निकल चुके हैं अभी, बट ऑफिस में वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा अलाउड नहीं है हमारे ऑफिस में वीडियोस वगैरह बनाना. तो अभी ऑफिस से निकले, अब हम जा रहे हैं साइट पे. साइट दिखाते हैं आपको जो अभी हमने जस्ट कंप्लीट करी है, और जो अपकमिंग साइट है हमारी, जो अपकमिंग ऑफिस है, एक ऑफिस बना रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, वो भी दिखाते हैं आपको, और जो कंप्लीटेड साइट है वो भी दिखाते हैं, और बाकी मिलते हैं रूट पे. सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी साइट पे. तो ये एक बारी आपको बाहर से फ्रंट फसाड दिखा देता हूँ इसका, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा लुक निकल के आ रही है. और साथ में मैं इसके साथ इसके एक्चुअल फिट पिक्चर भी डाल दूंगा जो हमने 3D बनाया था. तो ये बेसिकली एक 450 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और इसमें हमने 3 फ्लोर्स बनाए हैं. तो ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड, और उसके बाद रूफ है. अभी आपको एक बारी इसका टूर करा के लाते हैं. तो सारे फ्लोर्स का जो लेआउट है वो तो सेम है, बाकी एक फ्लोर आपको दिखा देते हैं और उसके बाद बदल जाएगा. तो ये हमारा ड्राइववे है, यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग हमने अपने लिए बनाई है. ये छोटा सा एक मिनी गार्डन बना रहे हैं, एक वाटरफॉल आएगा यहाँ पे, वाटर बॉडी है. ठीक है, ये स्टेयरकेस है ऊपर के लिए, जो ऊपर रहेंगे उन लोगों के लिए. प्लस वो एक लिफ्ट शाफ्ट है यहाँ पे, अभी शिंडलर की लिफ्ट आने वाली है. तो इसके सारा काम हमारा ऑलमोस्ट डन है. अब ये हमारा एंट्रेंस गेट है, दिस इज द एंट्रेंस लॉबी. यहाँ पे अभी हम इंटीरियर की बात बाद में करेंगे, अभी तो बेसिक रॉ वो है. तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी. ये हमारा ड्राइंग रूम है, सोफा, LCD पैनल, वो सब चीज़ें आ जाएंगी. बन रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है साइट इस समय, ख़त्म कर रहे हैं बस इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू करना है.
तो वो शुरू करेंगे, इसीलिए उससे पहले एक बारी इसको ख़त्म कर लें। तो ये कंप्लीशन पे ऑलमोस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, सीलिंग डिज़ाइन है। ये दो आपकी वो आ गई वार्डरोब्स। ये एक वॉशरूम है, अभी वो लगना बाकी है। ये देखिए सारी हेक्सागोनल टाइल्स जो हमने एक बहुत ही प्यारे शेड में लगाई हैं इनको। और अभी डब्ल्यूसी वगैरह भी बेसिन वगैरह वो सब आना है। तो एक बड़ी विंडो है ओवर लुकिंग द वाटर बॉडी एंड द गार्डन। वापस से अब हम एक ड्राइंग रूम में आ गए। दिस इज़ द पाउडर रूम। अभी इसमें लाइट्स लगी नहीं है, एक भाई चेक कर लेते। हाँ है लग गई है। तो दिस इज़ द पाउडर रूम। अब आते हैं हम नेक्स्ट एरिया में। ये है हमारा किचन। इतना लोगों का घर नहीं, बेडरूम नहीं होता जितनी बड़ी हमारी किचन है। सो दिस इज़ द किचन। बाकी ऊपर हमारे सारी स्टोरेजेस आ जाएंगी, वो बन रही हैं अभी हमारी फैक्ट्री में ही। एक बार ही बन के तैयार हो जाए बस आके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। तो अंडर काउंटर्स भी आ जाएंगे सारे, और ऊपर ओवरहेड स्टोरेजेस भी आ जाएंगी। बाकी हमारा डिश वॉशर एरिया प्लस द रेफ्रिजरेटर वो सब आ जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी विंडो है। यहाँ हमारा LCD आ जाएगा, बेड बैक आ जाएगी, वार्डरोब तैयार हो रही है। एक्चुअली ये एक उनकी डॉटर का रूम है, जिन जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हम ये जिनको हमने सेल किया है बेसिकली। तो उन्होंने बता दिया था कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो मतलब ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। सो दिस इज़ द वॉशिंग एरिया एंड द गार्डन। सो अभी हमने इसमें वो लगा दिया है, तो देवर सिंह के हमें नेचुरल ग्रास नहीं चाहिए, तो हमारे हम वो लगा देंगे आर्टिफिशियल ग्रास। बाकी इसमें हमारे नेचुरल, ये जो एक पैसेज है इसके अंदर हमारा नेचुरल प्लांटर्स आ जाएंगे। और वो सामने हमारा एक वॉशिंग एरिया का काउंटर बना हुआ है। ये उनका पेरेंट्स बेडरूम है, मेजर बेडरूम यही है। और इसके अंदर इसका वॉशरूम ये है। तो टाइल्स भी क्लाइंट ने पसंद करी थी, डिज़ाइंस वगैरह। उनका LCD पैनल तैयार हो चुका है, अगला उनका तैयार होने वाला है। सो दिस वाज द बेसिक हाउस टूर ऑफ आर साइट। अब नेक्स्ट साइट हमारा ऑफिस भी बनने वाला है मोहाली के अंदर, तो अब उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। कल परसों से वो भी साइट शुरू हो जाएगी। अब आपको एक बारी आगे वाला गार्डन भी दिखा देते हैं। बेसिक सिट आउट एरिया ही है गार्डन, तो क्या ही कह सकते हैं इसको, गार्डन तो पीछे बनेगा। अच्छा एक पार्किंग भी दिखा देते हैं। अब दो गाड़ियों की पार्किंग हमारी यहाँ आ गई, और चार गाड़ियाँ हमारी यहाँ पार्क हो सकती हैं। तो ये चार गाड़ियों अच्छे से आराम से हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। पांचवी गेट के बाहर भी खड़ी हो सकती है, डिपेंड्स करिए कि नहीं। ओके तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी ऑफिस की साइट पे, और ये हमारे ऑफिस की साइट है। तो ये एक 200 फुट रोड है, मेजर रोड है सेक्टर 86 मोहाली की, डिवाइडिंग रोड है 85 और 86 की मेजर रोड है। ये थोड़ा ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के बाद यहाँ पे एक हमारी एक रोड आ जाएगी सर्विस लेन काइंड ऑफ। सबसे पहला मेन रोड का प्लॉट ही है हमारा। तो यहाँ पे अभी हमारा अर्बनाइज का ऑफिस बनने वाला है, तो कल परसों से यहाँ पे भी हमने काम शुरू कर देना है। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये किसी और का प्लॉट है, ये किसी और का है। सेंटर वाला हमारा है, 215 स्क्वायर यार्ड का ऑफिस है। ऑफिस कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं हम इसको। प्लॉट इज़ 215 स्क्वायर यार्ड। अब उसके अंदर देखते हैं अभी हम कितना बनाते हैं, अब उसकी प्लानिंग कल से ऑफिस में शुरू करेंगे। सीवर लाइंस वगैरह यहाँ पे सब आ चुकी हैं, और अच्छी टाउनशिप्स वहाँ पे, सारी टाउनशिप्स आपको दिख रही होंगी, टाउनशिप्स बन चुकी हैं, लोग आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ डेवलपिंग एरिया है, और काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इसीलिए एक बेस ऑफिस यहाँ पे बनाना ज़रूरी था। तो अभी हमने रिसेंटली परचेज़ किया ये लैंड, अब इस पर हम एक ऑफिस बनाएंगे। बाकी आपको अपडेट्स इसकी सारी हम देते रहेंगे, कैसे कैसे
क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर। हम बहुत ही सेक्सी सा ऑफिस बनाने वाले हैं। देखा मोहाली में तो नहीं होगा किसी के पास, ये बात पक्की है, इतना सेक्सी बनाएंगे। बाकी आगे का टूर आपको थोड़ी देर में कराते हैं। सो गाइस अभी हम काम वाम करके आ चुके हैं, थक गए हैं थोड़ा थोड़ा, और सारा अपना ऑफिस वर्क हो गया, साइटों पे चले गए, साइटें सारी देख ली हैं। अब हम वापस आ गए हैं पंडित जी के चौड़ी वाले पे। एक्चुअली हमारे एक दोस्त का आउटलेट है तो इसलिए हम घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। तो अब हम आज आगे क्या करते हैं वो तो हम बताएंगे साथ साथ अभी। क्या हाल है? अच्छा, सो गाइस अब हम एक्चुअली साइट से फ्री होकर काफ़ी थक गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करके और सबसे बड़ी चीज़ मैं गोप्रो चार्जिंग पे लगा के भूल आया हूँ, तो अभी व्लॉग उससे नहीं बना सकता, तो मतलब व्लॉग तो बनाएंगे तो हम बना रहे हैं अभी फ़ोन से। और आ चुका हूँ मैं अपनी चंडीगढ़ की बेस्टेस्ट प्लेस पे, यानी कि जो मेरी फेवरेट 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 जगह है, वहाँ आ चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये है मेरे फेवरेट फेवरेट जगह सेक्टर 9 में, 9 या 10 है सॉरी, सेक्टर 10 में ब्रूक्स। अभी आपको दिखाते हैं हम क्या खाने वाले हैं इसके। क्या बनवा रहे हो? अरे M&M, एक M&M कर दो सर, एक M&M एक बिस्कॉफ। ये हमारा बन रहा है M&M वॉफल, वॉफल क्या है, हाँ सॉरी M&M चॉकलेट आइसक्रीम रोल बन रहा है। ये भाई साहब केक ही भूल गए, पैसे देके आ गए, सब कुछ करके आ गए, भाई का कल बर्थडे है ठीक है, केक फिर जीपे करके आए हो आप? गूगल पे मेरे को तो लग रहा है जीपे करके आए हो, लंगड़ा के क्यों चल रहे हो आप? हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिया प्रिया। हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ आर चंडीगढ़ ट्रिप। और कल शाम के बाद हम व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि भाई का बर्थडे था तो उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। रात की एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो भी डाल दूंगा मैं व्लॉग में, बट बाकी चीज़ों का हम व्लॉग नहीं कर पाए। एक चीज़ दिखानी है, देखो ये हमारा लॉन है, ये ड्राइववे है, वैसे एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, बट एक और चीज़ वो सारे पहाड़ है, पूरा 360 डिग्री व्यू है हमारे पास पहाड़ों का छत से। सो गाइस अब आ चुके हैं हम गाड़ी में, एक बारी कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी गर्म हो जाए गाड़ी फिर निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सुखना, देखते हैं अगर सुखना पे ज़्यादा भीड़ ना हुई तो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होती है संडे को, तो देखते हैं कि सुखना पे ज़्यादा भीड़ ना हुई तो सुखना चले जाएंगे, अगर भीड़ हुई तो फिर किसी और पार्क में चले जाएंगे। वॉक तो करनी है, एक्सरसाइज तो करनी है, तो मिलते हैं अभी आपको पार्क में। सो गाइस अभी रेडी होके आ चुके हैं, वॉक कर ली थी, वीडियो नहीं बना पाया, कौन लेके जाता कैमरा, तो अब तैयार हो गया, भाई भी तैयार हो गया भाई। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइट पर और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं, और फिर आज का दिन दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, काफ़ी जगह हम प्लान कर रहे हैं घूमने का, तो देखते हैं क्या क्या कवर हो जाता है आज की डेट में। ठीक है गाइस, हम पहुँच गए अब अपनी साइट पे, एक बारी नज़र मार लो, तो ये हमारी साइट है, इसमें 5th फ्लोर पे हमारा अभी काम चल रहा है, अभी अंदर जाके आपको टूर देते हैं। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ऊपर, एक बारी नीचे एक मीटिंग थी जो बिल्डिंग वाले हैं उनके साथ, तो अब हम पहुंच गए ऊपर, अब आपको छोटा सा एक स्नीक पीक दे देते हैं साइट का। ये है हमारी साइट, तो इधर कुछ कॉन्फ्रेंस एरिया है, ये डायरेक्टर्स मैनेजर केबिन्स हैं, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, यानी कि वेटिंग एरिया रिसेप्शन एरिया, और आगे सारे, एक सेकेंड, हाँ आगे सारे ये
मैनेजीरियल केबिन्स हैं, बाकी जो स्टाफ होगा वो सारा यहाँ पे बैठेगा। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी वर्क हो चुका है, एचवीएसी का काम हो चुका है, अब पीसीसी स्लैब्स डल रही हैं, ग्लास वाला अपना काम करना शुरू कर दिया है, ग्लास वाले ने चैनलिंग हो गई है ग्लास की, और एक बारी साइड के यहाँ से व्यू देखो, लुक एट द व्यू, सामने पूरा जंगल है पूरा, तो काफ़ी प्यारी साइट है। जब जैसे जैसे कंप्लीट होती है फिर हम आपको इसका एक प्रॉपर कंप्लीशन वाला टूर देंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं, यार बार बार गाइस गाइस बोल बोल के ना अजीब सा लग रहा है मेरे को, छोड़ो। अच्छा तो भाई लोग हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे, डेस्टिनेशन पे, वो है कि अभी हमने एक रिसेंटली एक और प्लॉट परचेज किया था जीरकपुर में, तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस बनाएंगे। अभी तो पोजीशन मिलने वैसे टाइम है, 3-4 महीने बाद पोजीशन मिलेगा, बट ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम एक ऑफिस बनाएंगे वहाँ पे, और बाकी ऊपर कुछ बना के छोड़ देंगे, देखते हैं, या सेल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम आज हमारी उस प्लॉट की रजिस्ट्री थी, तो अभी हम वो रजिस्ट्री करने आए हैं, उसकी बात बात करने आए हैं, तो देखते हैं, अभी आपको प्लॉट भी दिखाते हैं, क्या शायद इन्होंने मार्किंग वार्किंग कर दी है, वो मार्किंग वाला प्लॉट दिखाएंगे। काफ़ी कंस्ट्रक्शन तो फुल स्विंग पे चल रही है, यहाँ पे शुरू हो गया है काम होना, चलो देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं उस पे प्लॉट पे अपने, तो ये मेन रोड है, मेन एरो सिटी को कनेक्टिंग एक रोड है, यहाँ से एंट्री है, एंड दिस इज़ द ग्रीन एरिया, ये सामने वाला टक्कर वाला प्लॉट जो है ये ग्रीन एरिया है, और इसके साथ वाला जो प्लॉट है ना ये हमारा है। तो अब इस पे कंस्ट्रक्शन हम विद फ्रॉम मार्च अभी हम शुरू कर देंगे। दिस इज़ द बेसिकली आर प्लॉट, ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है ये। गाइस हम आ गए हैं साइकिलिंग करने, बड़ी देर से इतना अनहेल्दी खा के मैंने सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लें, तो अभी हम आए हैं सुखना लेक पे साइकिलिंग कर रहे हैं, यानी मैं अकेला ही हूँ, एक फ्रेंड आ रहा है अभी, उसे बुलाया है, लेट्स सी क्या होता है, आता है कि नहीं आता। बाकी अभी आपको सुखना लेक दिखाते हैं रात में कैसा लग रहा है, यही ले लेते हैं मैं सोच रहा हूँ। भाई ये सुखना लेक है और संडे के हिसाब से काफ़ी डेड सीन्स है भाई, बहुत ही एक दो लोग मुश्किल से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और आज उस हिसाब से काफ़ी कम लोग हैं, काफ़ी बहुत डेड सीन्स है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग, एंड टुडे इज अनदर डे, हम चंडीगढ़, 31st of January है, हालत देख के मेरी आपको पता चल ही रहा होगा, आंखें सूजी पड़ी हैं, सोए नहीं है हम पूरी रात के, और एक्चुअली कल रात को भाई का बर्थडे था, प्रियांशु जिस जो मेरा फ्रेंड है चंडीगढ़ में, उसका बर्थडे था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते सो गए, और सुबह आज अर्ली मॉर्निंग दिल्ली में साइट पे पहुंचना था, तो अभी हम साइट, यानी मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं कर पाया, गोप्रो में बैटरी नहीं थी, चार्ज कर रहा था, तो मैं लग क्या ही रूट पर कुछ था नहीं, सब सो रहे थे गाड़ी में भी, ऋत्विक भी सो रहा था, और प्रियांशु की मम्मी भी हमारे साथ आई, तो वो भी यानी ऐसे ही निकल गया पूरा रास्ता, और बहुत फॉग थी, बहुत ज़्यादा फॉग, मैं बना नहीं पाया उसका व्लॉग क्योंकि ड्राइव कर रहा था और बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था फ़ोन वोन उठाने का, तो यार व्लॉग बाद में भी वो किया जा सकता है, बट इस समय कुछ लोगों की जान मेरी हाथों में है, तो मेरे को गाड़ी चलानी चाहिए, मैंने गाड़ी चलाई। अभी हम पहुंच गए हैं, अभी मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है, नहाया नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट साइट पे जा रहा हूँ, क्योंकि लेबर सारी वेट कर रही है मेरी, क्योंकि उन काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे थे वो लोग, और अब आए हैं, तो उनको आज का टारगेट देना है और बताना है कि क्या काम कैसे होगा। तो फ़ोन बज गया, देखो लेबर का ही आ रहा है पीछे से, तो पूछ ही रहा होगा बाबूजी कहाँ रह गए। अब एक बस पहुँच गए हैं साइट पर, पहले साइट पर जाएंगे, फिर दूसरी साइट पर भी जाना है, मुझे नहीं लगता आज ब्रेकफास्ट लंच कुछ हो पाएगा, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास, चलो देखते हैं।
अभी ऊपर जाके आपको साइड दिखाते हैं। तो अभी इसी लिफ्ट में चली जाएगी ये, एक ही बारी में डाल के खत्म करो और क्या। हाँ इसको ले जाओ ऊपर। हाँ 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 इसको चलाओ। तो कितने बजे आए थे तुम लोग, कितने बजे आए थे? आपने फोन करा था नहीं? भाई आज तीन मिस्त्री आए हो तो आज इसको खिंचवा दो काम को। कैसी ले रहे हैं? टाइल टाइल होती है, टाइल में क्या, उसमें क्या फर्क है? हाँ यही वाली टाइल है। अरे ये अलग है भाजी, ये अलग है, ये अलग, ये अलग है। ग्रे। और ये कौन सी है? ये पलटनी पड़ेगी, एक बारी पलट के देख इधर कहीं लिखा होगा। नीचे लिखा हो? नीचे लिखा है। ये कौन सी है? ST 6012। और ये क्या है? जो वो वाली है ना, जो इस टॉयलेट में डालनी है, वो काले धब्बे वाली टाइल है, उस पे काले धब्बे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, काले धब्बे वाली। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, एक बारी मेरे से इसकी ना चाल समझ लो कि चाल कैसे लेनी है। ठीक है, इधर आ जाओ, एक बार इसकी चाल समझ लो। ठीक है, लाइनों से लाइनें तो मिलेंगी मिलेंगी, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे ये जो दो टाइलें आपकी मिलेंगी, ये कॉर्नर है, इसमें कलम बनेगी। ठीक है, बनेगी बनेगी, ध्यान रखना। ऐसी कलम उसे कैसे बनेंगे? बन जाएगी, बन जाएगी। हाँ तो लगानी आपने ऐसी है, 2 फुट की तो कलम काटनी है, 2x2 की तो कलम कट जाती है। फिर यहाँ से शुरू करोगे पहली टाइल और आगे चलती जाएगी, जो कट पीस आएगा वो एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली क्या, क्योंकि हमारा फ्रंट है ना, यहाँ पे टाइल पूरी नजर आनी चाहिए, जो कट पीस आए वो पीछे आए। हाँ यहाँ से शुरू कर दो, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप वहाँ छोटे से भी शुरू करोगे ना, तो इसका सेम ही आना चाहिए लाइन सारी एंड तक। हाँ वो ध्यान रखना, बस वो चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे एक तार निकली हुई है, पॉइंट निकला हुआ, यहाँ तार निकलेगी तो एक छोटा सा छेद छोड़ देना बस। ठीक है, ये तो बक्सा काट ही देना, ये बक्सा तो कटेगा ही, ये तो बेल का बक्सा हो गया। ये छोटा सा एक पॉइंट है, ये जरूर कर देना। ये तीन डब्बी है, ये भी छोटी छोटी कटेंगी, बाद में हम बड़ा कर लेंगे उसको। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी। और अभी छोटी छोटी काट दो, डब्बी है, नहीं नहीं और कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ये लाइट है सारी, पैसेज लाइट्स है, ये फ्लोर लाइट होती है। हाँ ठीक है, तो गाइस अभी तैयार व्यार होके हुए, भैया ब्रेक तो आराम से मारो, डेड ब्रेक मार दी इस आदमी ने, ये रेड वैगनर वाले भैया ने। हाँ तो अभी बस हम तैयार हो गए, घर आ गया था साइड से, साइड से घर आके अभी ब्रेकफास्ट करके नहा धो के तैयार होके बस अभी निकले, एक बारी ऑफिस चलते हैं। ऑफिस भी नहीं गया ना 3 दिन से, तो भाई ऑफिस जाके देखते हैं, 2-3 काम है ज़रूरी, वो करते हैं। वीडियो एडिटिंग करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। प्लस साथ के साथ हमारा एक और चैनल आने वाला है, ये तो यानी कि ऐसी ब्लॉगिंग चैनल हमने बना दिया है, बट एक चैनल जो मेनली हमारा चैनल आने वाला है वो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, और उसके लिए अब हम थोड़ा कंटेंट शूट करना और ये सब करना शुरू कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई यार, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था, मेरे को ना बड़ी शर्म आती है, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ी देर में हंसना शुरू कर देता हूँ अपने आप पे, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था कि वो कोई, तो मैं काफ़ी टाइम से इस पर प्रैक्टिस कर रहा था, बट अब मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, 2-3 लोगों ने मेरे आसपास मुझे काफ़ी ज़्यादा पंप किया कि भाई कर 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 कर, तो अब उन लोगों की बदौलत मैंने शुरू तो कर दी है। अब देखते हैं कहा जाता है कितनी इज्जत होती है, कितनी बेइज्जती होती है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी।
बेस्ती भी सहली गई, मर गया। पहले कम बेस्ती होती कई बार, ठीक है। बाकी ये तो देखो मजाक है और ये बच बना है, ये हमारा यहाँ पे चलता रहेगा। इसमें मैं आपको साइटें वाइटें अपनी दिखाता रहूँगा, करते रहेंगे छोटे छोटे चीज़ें और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है। एक मिनट बेल्ट लगा लूँ भाई, मामे खड़े होते हैं कई बार, तो कई चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। प्लस अभी रिवील नहीं कर रहा मैं वो चैनल, एक आध दिन उसकी प्लानिंग करते हैं, एक बार वो प्लानिंग हो जाए फिर रिवील करता हूँ मैं उस चैनल को, ठीक है। बाकी चंडीगढ़ व्लॉग सीरीज़, जो चंडीगढ़ वाला हमारा व्लॉग था वो हो चुका है शूट अब हमारा, यानी कि इसमें मैं ख़त्म करता हूँ, व्लॉग को एंड कर देता हूँ और फिर अगला व्लॉग कल से डेली व्लॉग शुरू कर देंगे, वो पर डे का एक एक व्लॉग आना शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं कितना फ्रीक्वेंटली ला पाऊँगा क्योंकि बहुत काम होते हैं अदर देन दिस, बट ठीक है जो भी है देखा जाएगा, करते हैं कुछ कुछ तो करेंगे, इतना यकीन है। सपने देखे हैं ना, पूरे भी होंगे। ओके बाय।